Welcome back, guys. This is Kanchan, and you're watching English Connection. Guys, today's topic is gerunds and infinitives. ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है. मतलब कि इसलिए बड़ा टॉपिक है क्योंकि रिटन इंग्लिश में इससे सवाल तो बहुत सारे आते हैं examinations में, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होते हैं. तो गाइज, आज इस ग्रामर के लेसन में, जो कि एक सीरीज का पार्ट है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी सीखना चाह रहे हैं तो भी परफेक्ट है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आप कम से कम अपनी 10 गलतियों को सुधारेंगे. 10 क्यों कह रही हूं मैं? जी हाँ, बिल्कुल, इवन उससे ज्यादा आप सुधार सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं. गाइस, साथ ही साथ एक बात बता दूं कि वीडियो के एंड में आपको बहुत ही शानदार टिप्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा. अगर नहीं देखा तो पछताएंगे आप, क्योंकि वो टिप्स बहुत ही कमाल के हैं. साथ ही साथ इतना बताऊं कि अभी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जेरंड्स हैं क्या, इन्फिनिटिव्स हैं क्या, क्या फर्क है, कब यूज करना है और कैसे पहचानना है सेंटेंस में. जैसा कि सवाल आता है कि पहचानना होता है कि जेरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, या इसके बाद जेरंड आएगा या इन्फिनिटिव आएगा, ये सब आप सीखेंगे. लेकिन उससे पहले जरा नजर डालनी है इन सेंटेंसेस पे. आई लव डांसिंग, इसका मतलब है मुझे नाचना बहुत पसंद है, और ये सेंटेंस ठीक है. यहाँ कुछ सेंटेंसेज इनकरेक्ट हैं जो कि आपको भी देखना है और समझना है. आई लव टू डांस, तो यहाँ हमने यूज किया डांसिंग, यहाँ हमने यूज किया टू डांस. अभी कंफ्यूज ना हो कि जेरंड्स इन्फिनिटिव्स को कैसे क्या है, सब कुछ बताऊंगी मैं वीडियो में, जरूर से एंड तक बने रहना है. बस आप अभी समझते चलिए कि ये एक वर्ब है लव, और इसके बाद हमने यूज किया डांसिंग, और इस यहाँ पे इस सेंटेंस में लव के बाद हमने यूज किया टू डांस. दोनों का मतलब सेम है और दोनों ही सही सेंटेंस है. मतलब बोला जा सकता है लव डांसिंग या फिर आई लव टू डांस, आई लव टीचिंग, आई लव टू टीच. ठीक है, नेक्स्ट, इट बिगैन रेनिंग, मतलब बारिश होने लगी. सो बिगैन के साथ, यानी बिगिन, ये सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, इसके साथ हमने रेनिंग यूज किया. ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है. फिर हमने बोला इट बिगैन टू रेन, यानी कि इसी वर्ब के साथ हमने टू रेन भी यूज कर लिया, ये भी सेंटेंस ठीक है, इसका भी मतलब सेम है. अब आते हैं आई एंजॉय टीचिंग, मतलब कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है पढ़ाने में. आई एंजॉय टीचिंग, ठीक है. लेकिन आई एंजॉय के साथ यहां हमने बोला टू टीच, ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है. क्यों? हमने तो वही पैटर्न यूज किया, आई लव डांसिंग ठीक था, आई लव टू डांस ठीक था, तो आई एंजॉय टीचिंग ठीक है, आई एंजॉय टू टीच क्यों नहीं ठीक है? उसके पीछे एक रीजन है गाइस, वो वीडियो में बने रहेंगे तो जरूर पता चलेगा. अब एक और देख लेते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. यहां कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट? होता क्या है कि आप जैसा देख रहे हैं, टू के साथ हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज किए वर्ब की, राइट, टू के साथ. तो यहां भी यहां दिख रहा होगा आपको टू के साथ बेस फॉर्म यूज हुई है. आपने देखा टू के साथ बेस फॉर्म यूज होती है तो आपको देखने में ये सही लगता है, और ये गलत लगता है क्योंकि टू के साथ आई एन जी देखने को नहीं मिलता है ना. तो ये गलत लगता है लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है और ये गलत है. उसके पीछे भी क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, यहाँ इस टू के साथ ये मीटिंग यानी कि आई एन जी ठीक है. क्यों ठीक है वो आपको वीडियो में जरूर पता चलेगा. और ये सेंटेंस इनकरेक्ट है जो कि पूरी तरीके से सही लगता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की बेस फॉर्म यूज करने का ही रूल है कि टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है और वो कहलाती है इन्फिनिटिव. तो अभी जेरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, ये समझते हैं. तो सबसे पहले क्या समझना है कि जेरंड्स क्या हैं और इन्फिनिटिव्स क्या हैं. तो गाइस, ये दोनों ही वर्ब से बने हुए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर एक वर्ब है उसमें मैंने आई एन जी जोड़ दिया तो वो जेरंड कहलाता है, और एक वर्ब है उसके पहले मैंने टू लगा दिया, इन्हें साथ में जोड़ नहीं देना, ये अलग ही रहेंगे, टू लगा दिया तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है. लेकिन ये दोनों ही होते क्या है पता है, ये दोनों ही होते हैं नाउन, मतलब कि ये नाउन की तरह यूज होते हैं, यूज्ड एज अ नाउन, तो ये भी नाउन की तरह यूज होता है. ठीक है, तो जब भी किसी वर्ड में आप आई एन जी जोड़ते हैं, जैसे कि टीच में आई एन जी जुड़ा तो ये बन गया टीचिंग, रेन में आई एन जी जुड़ा रेनिंग, शॉप में आई एन जी जुड़ा शॉपिंग, उसी तरीके से टीच के पहले टू लगा दिया टू टीच, तो ये इन्फिनिटिव है और ये क्या है, जेरंड्स है आई एन जी वाले. अब एक कंफ्यूजन भी होती है यहाँ पे, जब मैंने बोला कि आई लव शॉपिंग, मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बोला आई लव शॉपिंग, तो यहाँ पे ये जेरंड है. लेकिन अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई एम शॉपिंग, ठीक है,
तो यहाँ पे ये जेरेंड नहीं है, उसके पीछे का रीजन समझिएगा। यहाँ पे ये जो शॉपिंग है ये इसके साथ यूज हुआ है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, आपको दिख रहा होगा राइट। और साथ ही साथ ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस की। तो जब एक ही वर्ब है सेंटेंस में मेन वर्ब और वो आईएनजी फॉर्म में, ऊपर से कंटिन्यूअस टेंसेस है दिख ही रहा है, तो यहाँ पे ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल की वीडियो में आपको इसके बारे में अलग से मैं डिटेल में बताऊंगी कि पार्टिसिपल्स क्या हैं और वो कैसे यूज होते हैं सेंटेंसेस में। यहाँ आप समझिए कि जब इज एम आर वॉज वर यानी कि कंटिन्यूअस टेंसेस में आई हैव बीन टीचिंग, ये सब इन सब जगहों पे आईएनजी के साथ आ रहा है तो वो सब के सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके अलावा आई लव शॉपिंग में आप ध्यान दें, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, आई लव बोल रही हूँ या फिर आई लाइक बोलूं, है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आईएनजी तो नहीं आता। तो यहाँ पे ये जो शॉपिंग यूज हुआ है ये जेरंड है और एक नाउन की तरह यूज हुआ है, जैसे आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम एक नाउन है राइट। उसी तरीके से आई लव शॉपिंग, मुझे शॉपिंग करना पसंद है, मुझे खरीदारी करना पसंद है, तो ये शॉपिंग यहाँ पे पूरा का पूरा खरीदारी करना एक नाउन बन के यहाँ पे आया है, भले ही वर्ब से बनता है बट काम नाउन का करता है, ये आप समझ लीजिए दो के दोनों ही। और ये यूज कैसे होते हैं ये समझिएगा, या तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, या तो ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है इसको बोला जाता है पूरक, पूरक यानी कि जो कि सेंटेंस को पूरा करता है। तो इन तीनों की तरह यूज हुए हैं सेंटेंस में, देखिएगा शॉपिंग इज नेसेसरी, शॉपिंग खरीदारी आवश्यक चीज है, जरूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे इज लगाया है मैंने, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है सब्जेक्ट की तरह, और ये है क्या जेरंड है क्योंकि यहाँ पे आई एन जी लगा है, ये जी है जेरंड जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। फिर मैं बोलती हूँ माई फेवरेट हॉबी इज शॉपिंग, मतलब मेरी जो फेवरेट हॉबी है, पसंदीदा हॉबी वो शॉपिंग है, तो यहाँ पे ये पूरक की तरह यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है कॉम्प्लीमेंट। और ये भी यहाँ पे क्योंकि आईएनजी है तो जेरंड है। इसी तरीके से आई लव शॉपिंग, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियर। तो आपने जेरंड देखा, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव्स की, टू शॉप इज इंपॉर्टेंट, यही सेंटेंसेस है, जेरंड की जगह हमने यहाँ पे इन्फिनिटिव्स यूज किए हैं, तो यहाँ भी ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। माई फेवरेट हॉबी इज टू शॉप, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। आई लव टू शॉप, यहाँ शॉपिंग था, यहाँ टू शॉप इन्फिनिटिव की तरह और कैसे यूज हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह। तो आपने एक सिंपल सा अगर आप समझना चाहें तो ये है कि जब भी हम किसी वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं वो जेरंड कहलाता है और वो नाउन की तरह यूज होता है, यानी कि मेन वर्ब की तरह नहीं, एक वर्ब के बाद आया होगा, नोटिस कीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला आई लव शॉपिंग, यहाँ पे आपने देखा कि इस वर्ब के बाद ये वर्ब आया, यानी कि जब एक वर्ब दूसरे वर्ब के बाद आ रही है तो या तो इन्फिनिटिव होगा या तो जेरंड होगा, ये भी एक अच्छा तरीका है समझने के लिए, ठीक है। आई एम शॉपिंग होता तो ये जेरंड नहीं था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। आई लव शॉपिंग है तो एक वर्ब दूसरा वर्ब तो या तो जेरंड है या तो इन्फिनिटिव होगा, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ समझिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशंस के लिए। ये आपने समझ लिया कि आईएनजी लगा है तो या तो जेरंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मेनली दो तरीके के होते हैं, दो तरीके में, एक आप देख रहे हैं टू के साथ, एक होता है विदाउट टू, विदाउट टू। अब आप सोचेंगे कि भाई जब हम टू से ही पहचानते हैं कि इन्फिनिटिव है तो जब टू नहीं होगा तो कैसे पहचानेंगे। पहली बात उसको बता दो, बिना टू के जो इन्फिनिटिव होता है उसको बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव, ये बेयर इन्फिनिटिव जिसमें कि टू नहीं होता। तो जैसे मैं बोलूं टीच, ठीक है, बिना टू के, तो ये बेयर इन्फिनिटिव है। इवन इसे जीरो इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, जीरो कह लें या बेयर इन्फिनिटिव, इसे ब्रैकेट में लिखती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो समझ में आए, विदाउट टू ये कहलाते हैं बेयर इन्फिनिटिव।
तो कैसे समझेंगे, ये ट्रिकी हो रहा है कि भाई टू से ही पहचान रहे थे, आप कैसे समझेंगे सेंटेंस में कि इन्फिनिटिव है कि नहीं। तो इसलिए आप समझ लेंगे क्योंकि एक ही दो रूल्स हैं, एक ही दो जगहों पे ये यूज़ होते हैं, वो आप फटाक से देखते ही समझ पाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इन्फिनिटिव ही है, असल में ये बेयर इन्फिनिटिव है यहाँ पे, इसलिए आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। गाइज बहुत ही एनर्जी के साथ इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं यहाँ, वो क्यों होते हैं क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ट्रिकी जो है वो आपके सामने आने वाली है, वो सारे फैक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं कि क्या ऐसा है, क्यों हम मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की तरह हम जेरंड या इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं, तो सबसे पहली बात, एज सब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स जेरंड्स आर मोर कॉमन। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह पे जब हमें यूज़ करना है तो जेरंड्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 90% ऑफ द टाइम यू विल यूज़ जेरंड्स एज सब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। अगर 10% की बात करूँ जो बच रहा है, तो फॉर्मल राइटिंग में सब्जेक्ट की जगह पर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश की बात करें, इवन रिटन इंग्लिश की भी, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट में आप जेरंड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप मोस्टली सब्जेक्ट की जगह पर आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरंड का यूज़ करेंगे। ये क्लियर आपके लिए। अब जो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करना है वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। और ट्रिकी क्या है, एज ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है, देयर आर वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाई अ जेरंड, ठीक है, एंड देयर आर वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाई एन इन्फिनिटिव। अब आपको अभी ये थियोरी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है, समझिएगा। एंड देयर आर वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाई जेरंड और इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये है कि ऐसे भी वर्ब्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनके बाद जेरंड आता है, और ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिन वर्ड्स के साथ ये रूल है कि जेरंड ही यूज़ होगा, वहाँ आप इन्फिनिटिव नहीं यूज़ कर सकते। जैसा कि आपने देखा, आई इन्जॉय टीचिंग ठीक है, लेकिन आई इन्जॉय टू टीच गलत है। तो आई इन्जॉय टू टीच नहीं बोल सकते क्योंकि इन्जॉय इस कैटेगरी में आता है, यानी कि उसके बाद जेरंड ही आएगा। और ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें आप जेरंड या फिर इन्फिनिटिव दोनों का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी एक चीज़ होती है कि जो मतलब होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा मतलब में, बहुत हल्का सा फ़र्क होगा, और कभी कभी होगा जिसमें कि पूरी तरीके से मतलब बदल जाएगा। ये सब हम इसमें सीखेंगे, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स यानी कि हर एक वर्ड पे एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, इसे गौर से पढ़िएगा। इन इंग्लिश व्हेन वन वर्ब इज फॉलोड बाय द अदर, द सेकंड वर्ब कैन ईदर बी द जेरंड और द टू इन्फिनिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहचानना कैसे, जब इंग्लिश में एक वर्ब को दूसरा वर्ब फॉलो करता है, यानी कि दो वर्ब एक साथ आते हैं, तो पहला वर्ब तो छोड़ दीजिए आप, वो मेन वर्ब होता है सेंटेंस का। जो दूसरा वर्ब आता है, द सेकेंड वर्ब कैन ईदर बी द जेरंड, ठीक है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या हैं, जो सेकेंड वर्ब होगा या तो वो जेरंड होगा या तो इन्फिनेटिव होगा। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वर्ब, जेरंड आना है या इन्फिनेटिव आना है, ये डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट वर्ब पे। जब मैंने ये सेंटेंस दिया था आपको, आई एंजॉय टीचिंग, तो ये टीचिंग ही होगा, ये टू टीच नहीं होगा, ये डिपेंड इस पे करता है। यानी कि इस एंजॉय ने हमें बताया, इसने, कि यहाँ पे हम टीचिंग यूज कर सकते हैं या टू टीच, क्लियर। तो अब हम समझते हैं वन बाय वन इस कैटेगरी को रखते हुए, अब हम सबसे पहले वो वर्ब्स देखेंगे जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ जेरंड का यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव्स का नहीं। ऐसे ही करके सबको हम इसी वीडियो में समझेंगे। गाइस वीडियो बहुत ही कमाल की है, आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर करने वाली है, जो भी मिस्टेक्स आप इससे रिलेटेड करते हैं सब क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो में तक बने रहना है। तो अभी हम सीखने वाले हैं वर्ड्स फॉलोड बाई अ जेरंड, मतलब कि वो वर्ब जिनके बाद हम जेरंड का ही यूज कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म का ही यूज कर सकते हैं, वो ये हैं, एडमिट, अवॉइड, कांट हेल्प, एंजॉय, माइंड, सजेस्ट, स्टॉप, डिले, डिनाई, फैंसी, कंसिडर, मिस, इन्वॉल्व, पोस्टपोन, फिनिश, इमेजिन, रिस्क,
practice, recommend, suggest, etc. इसके अलावा भी और भी वर्ब्स होंगे, आपको प्रैक्टिस के दौरान ज़रूर मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, उन्हें आपको समझना होगा कि इनके बाद क्या यूज़ करेंगे. वैसे मैं आपको बता दूँ, जब भी आप किसी डिक्शनरी में कदम रखते हैं, यानी कि कोई भी एक अच्छी डिक्शनरी, अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ब के बारे में सर्च करते हैं तो उसमें वो बताता है कि इसके बाद जेरंड आ सकता है, या इसके बाद इन्फिनिटिव आता है, या फिर इनके बाद दोनों में से कोई भी आ सकते हैं. तो अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको एक एक वर्ब पे हमेशा मिल जाएगा, अगर अच्छी डिक्शनरी है तो. तो अब बात करते हैं सेंटेंसेस की. ये आपने देख लिया कि इतने हैं. अब देखिए सेंटेंस नंबर वन, ही एडमिटेड स्टीलिंग द कार. तो एडमिट के बाद हम टू स्टील नहीं बोल सकते, मतलब इस सेंटेंस को नहीं बोल सकते ही एडमिटेड टू स्टील द कार. नो, उसने स्वीकार किया कि उसने कार की चोरी की थी. ही एडमिटेड स्टीलिंग द कार. नेक्स्ट, आई अवॉइड टॉकिंग टू हिम. तो इन वर्ब पे ध्यान दीजिएगा और साथ में इस वर्ब, यानी दोनों वर्ब पे ध्यान देना है. पहला वर्ब मेन वर्ब है, उसको जब दूसरे वर्ब ने फॉलो किया है तो वो जेरंड या इन्फिनेटिव होगा. आई अवॉइड टॉकिंग टू हिम. आई अवॉइड टू टॉक टू हिम. नो, क्लियर. आई कांट हेल्प लाफिंग. सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक की है. I can't help laughing when I watch, मान लीजिए when I watch कपिल शर्मा शो, when I watch a comedy movie, कुछ भी. So I can't help का बेसिकली मतलब होता है कि मैं किसी काम को करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, तो इसके साथ हमेशा ing आता है. I can't help smiling when I read your comments. I can't help doing something when I do something. इस तरीके से आप यूज करते हैं. I can't help, then ing के साथ. I enjoy reading. जैसा कि मैंने बताया शुरू में enjoy के साथ टू नहीं आएगा, यानी कि इन्फिनेटिव नहीं आएगा. So I enjoy reading. Reading books बोल सकते हैं. I enjoy reading books. I enjoy reading comic books. I enjoy reading stories. इस तरीके से. Next, I don't mind waiting. तो mind के साथ भी gerund. I don't mind waiting मतलब कि मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है. She suggested going to the cinema. तो suggest के साथ भी infinitive नहीं आता. She suggested going to the cinema. तो यहाँ ध्यान देना और यहाँ, ठीक है. Why did you stop talking? Stop. Stop के बाद gerund आता है. Why did you stop talking? Next, have you finished cleaning the room? Have you finished? तो finish के साथ भी gerund. Have you finished cleaning the room? इस पर आपको करना क्या है, ये याद करने की चीज़ नहीं है, इसे practice में ले आइए. एक एक verb पे, यानी हर इन verbs पे, एक एक verbs पे sentences बनाइए, बोलिए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है लिखिए, ताकि आप examinations में देखते ही पहचान जाएं कि इसके बाद क्या आना चाहिए, ये सही है या नहीं है, कौन सा gerund है, कौन सा infinitive है, सब आप समझ जाएंगे. इतनी practice कर लीजिए, ये धीरे धीरे practice से ही आता है, ऐसे आप रट नहीं सकते इसको. आई डोंट फैंसी डूइंग दिस. तो फैंसी का भी मतलब होता है पसंद करना. आई डोंट फैंसी डूइंग दिस, किसी भी चीज की आप बात कर रहे हैं. डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश. सो डू यू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश नहीं बोल सकते. डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश. आई रेकमेंड स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे. सो रेकमेंड के साथ भी gerund आता है. आई रेकमेंड स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे. मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप हर दिन अंग्रेजी बोलें, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. इसके बाद सीखते हैं वो वर्ब्स जिनके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं. नाउ द वर्ब्स फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब. कौन कौन से वर्ब्स हैं आप देखिए. डिसाइड, अग्री, अफोर्ड, डिमांड, डिजर्व, होप, फेल, मैनेज, प्लान, ऑफर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, अरेंज, लर्न. ठीक है, अब जितनी भी आपकी कॉमन मिस्टेक्स, यानी कि आप जो गलतियां करते रहे हो, अगर आपको मिलता जाए तुरंत सुधार लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि आगे से आप गलत ना बोलें. एक एक सेंटेंस देखते हैं सब पे. डिसाइड, आई डिसाइडेड टू गो बैक होम. टू गो यानी कि इन्फिनिटिव यूज करना है डिसाइड के बाद. ठीक है, आई डिसाइडेड गोइंग बैक होम. नो, डिड शी अग्री टू लेंड यू एनी मनी. तो अग्री के साथ टू लेंड. आई कांट अफोर्ड टू बाय दिस. आप कोई चीज, आपके पास पैसे कम होते हैं, कोई चीज खरीदनी होती है, तो आप अक्सर ये सेंटेंस यूज करते हैं, तो आप वहां पे आई एन जी नहीं यूज करेंगे. आई कांट अफोर्ड टू बाय दिस. ठीक है, अफोर्ड के साथ टू बाय.
He demanded to buy a car. So demand के साथ to buy. You deserve to be here. आप यहाँ होना deserve करते हैं. You deserve to be here. I hope to earn more this month. मैं आशा करती हूँ कि इस महीने में और कमाऊंगी और ज्यादा कमाऊंगी. So hope के साथ to earn. I failed to attract her attention. तो fail के साथ to attract. Somehow we managed to reach there. तो manage के साथ infinitive to reach. ठीक है. We are planning to go somewhere. So plan के साथ plan एक ऐसा word है जो बहुत ज्यादा आप use करते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि आपको infinitive use करना है plan के साथ to then verb. He offered to help. Offer के साथ भी to infinitive. He offered to help. I promise to be with you. मैं वादा करती हूँ कि आपके साथ रहूंगी. I promise to be with you. तो आपकी English learning की जर्नी के लिए भी I promise to be with you. I'm here with you guys. जो भी चीज़ें पूछनी आप comment section में पूछ सकते हैं. और आपके लिए मैं ऐसे videos लेकर आती रहती हूँ जिससे आपको examinations में भी help मिले, साथ ही साथ आपके spoken English भी सुधरती रहे. ठीक है. Next is refuse. He refused to come. So refuse के साथ to infinitive. They arranged to stay at a hotel. तो arrange के साथ to stay यानी कि to infinitive. You're learning to speak English. Learn के साथ भी हम to infinitive यानी कि to verb का use करते हैं. You're learning to speak English. तो ये हो गए positive sentences आपने देखे. Negative की बात कर लेते हैं. Gerund में मैं भूल गई थी आपको बताना. Negative by adding not. I decided not to go. मतलब कि मैंने न जाने का निर्णय लिया. तो decided not to go. ठीक है. उसी से पहले हम not add कर देंगे. You promised not to be late. तुमने वादा किया था कि तुम देर से नहीं आओगे. तुम्हें देर नहीं होगी. You promised not to be late. तो ये infinitive के लिए हुआ. आपने not फिर to फिर verb use कर ली. gerund में भी इसी तरीके से not और फिर gerund use करते हैं. जैसे कि I enjoy not working. तो कैसे लिखेंगे? I enjoy not working. इसका मतलब कि मुझे काम ना करने में मजा आता है. ठीक है. इस तरीके से सेंस निकालेंगे. अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट. Now the verbs followed by gerund or infinitive. मतलब कि अब उन क्रियाओं के बारे में सीखेंगे जिनके बाद हम gerund का भी यूज कर सकते हैं और infinitive का भी. लेकिन एक चीज है ध्यान दीजिएगा. With a difference in meaning. मतलब कि जब हम gerund यूज करेंगे उसके आगे तो उसका मतलब कुछ अलग होगा और जब infinitive यूज करेंगे तो अलग होगा. उस सेंटेंस की तरह नहीं होगा जैसा मैंने शुरू में दिया. I love dancing या फिर I love to dance. तो उसमें मतलब में फर्क नहीं था लेकिन यहाँ मतलब में फर्क होगा. तो वो वर्ब्स हैं forget, remember, go on, need और regret. इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स आपको मिल सकते हैं. तो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. एज आई सेड अर्लियर. सबसे पहले समझते हैं forget के बारे में. He forgot playing with his school friends. अब यहाँ पे इसका मतलब है कि वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ खेलता था, ये बात वो भूल गया है. तो जब हम forget के साथ gerund यूज करते हैं यानी ing के साथ, तो उसका मतलब होता है forgetting that fact कि कोई काम जो आप करते थे आपने किया था वो फैक्ट ही आप भूल गए हैं. सो ही forgot playing with his school friends. मतलब जब वो छोटा था स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेलता था वो बात वो भूल चुका है, उसे याद नहीं. अब है सेंटेंस ही forgot to do his homework. तो यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव यूज किया जब forgot के बाद. ठीक है. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो अपना होमवर्क करना भूल गया. तो यहाँ एक्शन से मतलब है forgot that he had to do something. उसको कोई काम करना था वो करना भूल गया, उस क्रिया को करना भूल गया. तब हम to do यूज करेंगे यानी कि इन्फिनेटिव यूज करेंगे to के साथ. क्लियर ये कॉन्सेप्ट forget के लिए. नेक्स्ट इज remember. रिमेंबर पे हम सेंटेंस देखते हैं. आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर. मान लीजिए आपने घर का दरवाजा बंद किया था और आप लोग कहीं बाहर गए, घर आते हैं, घर पे चोरी हो गई है. ठीक है. गॉड फॉरबिडन होना, लेकिन चोरी हो गई है तो उस पर कहा जाता है तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया था. तो आप कहते हैं आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर. मतलब कि मुझे याद है कि मैंने डोर लॉक किया था. आई डिड इट एंड नाउ आई रिमेंबर इट. वो एक्शन जो मैंने किया था वो मुझे याद है. आई डिड इट एंड नाउ आई रिमेंबर इट. I remember locking the door.
ये था जेरन के साथ, इसका ये मतलब निकलेगा. अगर मैं बोलूं आई रिमेम्बर्ड टू लॉक द डोर व्हेन आई लेफ्ट, इसका मतलब मुझे याद था दरवाजा बंद करना जब मैं निकला. तो जब मैं निकला मुझे याद आया, मुझे याद था कि दरवाजा बंद करना है और मैंने किया. तो उस टाइम पे मुझे वो चीज़ याद आया था, आई रिमेम्बर्ड दैट आई हैड टू डू इट. एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आई रिमेम्बर टू लॉक द डोर व्हेन आई लेफ्ट बट आई फॉरगॉट टू शट द विंडो. इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मुझे याद था जब मैं निकला कि दरवाजा बंद करना है और मैंने किया, और लेकिन मैं खिड़की बंद करना भूल गया. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और इन दोनों में यही फर्क है. अगला है रिग्रेट पे. आई रिग्रेट बीइंग लेट फॉर वर्क. मान लीजिए आप काम पर देर से पहुंचते हैं और आपको खूब डांट पड़ती है, तो आप कहते हैं आई रिग्रेट बीइंग लेट फॉर वर्क. मुझे पछतावा है वर्क पे, यानी कि ऑफिस देर से जाने के लिए मुझे पछतावा है. तो जब रिग्रेट के साथ आपने आई एन जी यानी जेरंड यूज किया, तो उसका मतलब ये है आई डिड इट एंड नाउ आई एम सॉरी अबाउट इट. मतलब मैंने कुछ किया है ऐसा और मुझे अब उस बात पर खेद है, मुझे सॉरी फील हो रहा है, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया. सो आई रिग्रेट बीइंग लेट फॉर वर्क. इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई रिग्रेट गोइंग देयर. आई रिग्रेट टॉकिंग टू हर. आई रिग्रेट कॉलिंग हिम शॉर्ट. मैं रिग्रेट कर रहा हूँ मैंने उसे छोटा बुलाया, शॉर्ट बुलाया, बौना बुलाया, ठीक है. तो इस तरीके से कि कोई काम आपने कर दिया, अब आपको रिग्रेट हो रहा है, तो आप आई एन जी यूज करेंगे. और अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं आई रिग्रेट टू से, आई रिग्रेट टू से, आई रिग्रेट टू टेल यू, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू ऑफर यू द जॉब. तो ये आप समझ गए ये कहाँ यूज करना है. फॉर्मल राइटिंग्स में कहते हुए खेद हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं. सो आई एम सॉरी दैट आई हैव टू से, ठीक है. नेक्स्ट नीड. आई नीड टू डू दिस. जब आप कोई भी चीज़ आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू टॉक टू यू, इस तरीके से बोलते हैं, यानी कि नीड के साथ ये यूज करते हैं ना इन्फिनिटिव, तो इसका मतलब होता है इट्स नेसेसरी टू डू दिस, ऐसा करना मेरे लिए जरूरी है, ठीक है. और अगर आप नीड के साथ ये यूज करते हैं आई एन जी, योर क्लोथ्स नीड वॉशिंग, इसका मतलब है कि तुम्हारे कपड़े धुलने लायक हैं. तो पैसिव में नीड टू बी वॉश्ड. अब आगे बढ़ते हैं. अगला सेंटेंस है गो ऑन पे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिया. शी गोज ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स. अगर आप मुझे देखेंगे, मेरी वीडियोज देखेंगे जो लंबी लंबी मैंने वीडियोज बनाई हैं, तो आप कहेंगे शी गोज ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स. वो घंटों तक बोलती जाती है. तो गोज ऑन स्पीकिंग यानी कि हमने यूज किया जेरंड, इसका मतलब कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग. देख लीजिए आप यहाँ पे कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग, मतलब जो काम कर रहे हैं वही करते जा रहे हैं, तो हम गो ऑन का यूज करते हैं. और आई मीन गो ऑन के साथ आई एन जी का यूज करते हैं. आफ्टर टीचिंग दिस आई विल गो ऑन टू, यहाँ पे हम यूज करेंगे टू टीच. आई विल गो ऑन टू टीच क्लॉजेस. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आई एन जी यूज करते हैं तो इसका मतलब कंटिन्यू द सेम थिंग, लेकिन जब हम ये यूज करते हैं इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब होता है डू और से समथिंग न्यू. आफ्टर टीचिंग दिस, ये पढ़ाने के बाद, आई विल गो ऑन टू टीच क्लॉजेस, मैं क्लॉजेस पढ़ाऊंगी, तो वो टॉपिक अलग होगा, कुछ नया करूंगी. तो ये फर्क आ जाता है जब आप इन वर्ब्स के बाद, इन पांचों वर्ब्स के बाद जेरन यूज करें या इन्फिनेटिव, तो अर्थ में फर्क आ जाएगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ द वर्ब्स फॉलोड बाय जेरंड और इन्फिनेटिव, जैसे कि आपने पहले देखा, लेकिन वहां मतलब में फर्क था, यहाँ क्या है विद अ लिटिल और नो डिफरेंस इन मीनिंग. मतलब इतना मामूली फर्क होता है कि आप बड़े आराम से दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल भी फर्क नहीं होता. जैसे कि लव, लाइक, हेट, प्रेफर, बिगिन, बॉदर, कंटिन्यू, स्टार्ट, कांट बेयर, इंटेंट, ठीक है. सेंटेंसेस देखते हैं लव के साथ. आई लव मीटिंग या फिर आई लव टू मीट पीपल. मान लीजिए न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है. आई लव मीटिंग न्यू पीपल. आई लव टू मीट न्यू पीपल, ठीक है. आगे देखते जाते सेंटेंसेस जल्दी जल्दी. आई लाइक रीडिंग या फिर आई लाइक टू रीड बुक्स. सो बोथ आर ओके एंड बोथ आर सिमिलर. हेट. आई हेट कुकिंग. मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत करती हूँ मैं खाना बनाने से. आई हेट कुकिंग या फिर आई हेट टू कुक, ठीक है.
प्रिफर, आई प्रिफर रीडिंग या फिर आई प्रिफर टू रीड, सो बोथ आर ओके, दोनों ही आ सकते हैं इन वर्ब्स के बाद इसको, ये बल्कि बहुत ही अच्छा है, इन्हें आप समझ लें ताकि इसमें कन्फ्यूज ना हो. इसमें कन्फ्यूजन होती है कि प्रिफर के बाद हमें आई एन जी यूज करना है या फिर टू यूज करना है, तो दोनों यूज कर सकते हैं आप. बिगिन, शी बिगैन सिंगिंग या फिर शी बिगैन टू सिंग, सो बोथ आर ओके. बॉदर, डोंट बॉदर फिक्सिंग दिस या फिर डोंट बॉदर टू फिक्स दिस. ही कंटिन्यूड, कंटिन्यू के साथ भी यही रूल है. He continued talking या फिर he continued to talk. It has started raining या फिर it has started to rain. So start के साथ दोनों सही हैं. Can't bear, जैसे वहां था can't help, can't help में ing ही आता है उसके बाद, लेकिन can't bear मतलब सहन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हैं. She can't bear being alone, वो अकेले होना सहन नहीं कर सकती, या फिर she can't bear to be alone. ठीक है, रोहन इंटेंड्स बाइंग अ बाइक, रोहन का एक बाइक खरीदने का इरादा है, तो इंटेंट, इंटेंट के साथ भी या तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करें या तो ये, रोहन इंटेंड्स टू बाय अ बाइक. क्लियर यहां तक, ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. गाइज, अभी तक आपने सीखा कि हम वर्ब के यानी कि पहले वर्ब के डायरेक्ट बाद हम जेरंड या फिर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे थे, लेकिन एक कैटेगरी और भी है जिसमें कि ये होता है कि हम वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं फिर जेरंड या फिर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं. तो ये सेंटेंसेस अब आप देखेंगे और ये वर्ब्स भी देखेंगे कि वो क्या है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर जेरंड यूज करेंगे, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर जेरंड. अब ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, जैसे कि हिम, हर, अस, ठीक है, इस तरीके से. तो इसमें जो वर्ब्स हैं वो है स्टॉप, इमेजिन, कीप, माइंड, रिस्क, इन्वॉल्व एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं. सेंटेंस देखिए, प्रैक्टिस करते जाइए. आई स्टॉप्ड हिम टॉकिंग, अगर मैं बोलूं आई स्टॉप्ड टॉकिंग दैट मीन्स कि मैं बोल रही थी, मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं रुक गई. और जब मैं बोल रहा हूँ आई स्टॉप्ड हिम टॉकिंग दैट मीन्स कि वो बात कर रहा था, मैंने उसे रोक दिया. तो वहां था रुकना, यहाँ है रोकना. तो स्टॉप के दो मतलब होते हैं, आई स्टॉप्ड हिम टॉकिंग, तो एक वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट और फिर जेरंड. आई कांट इमेजिन रोहन विनिंग द कॉम्पिटिशन, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि रोहन कॉम्पिटिशन जीत रहा है, तो इसलिए इमेजिन के साथ हमने ऐसे यूज किया और यहाँ जेरंड है. सॉरी टू कीप यू वेटिंग, मतलब कि आप इंतजार कराने के लिए माफी चाहते हैं. सॉरी टू कीप यू वेटिंग, ये ऑब्जेक्ट है बीच में. डू यू माइंड मी बीइंग हियर, ठीक है, डू यू माइंड मी बीइंग हियर, तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है माइंड के साथ. ही रिस्क्ड हिज लाइफ हेल्पिंग अनदर मैन स्केप द फायर, किसी और इंसान को आग से बचाने में उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली. रिस्क हिज लाइफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिज लाइफ एंड देन जेरंड हेल्प, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. नेक्स्ट, वर्ब्स फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लस एन इन्फिनेटिव, वहां जेरंड था तो इन्फिनेटिव के भी केस में ये होता है कि इन्फिनेटिव के भी पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं. तो क्या उसमें फॉर्मूला बनेगा, वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव. आस्क, चूज, रिमाइंड, टीच, एडवाइस, अलाउ एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं. आई एडवाइज्ड हिम टू कॉल द पुलिस, मतलब कि मैंने उसे सलाह दी कि वो पुलिस को फोन करे. हु टॉट यू टू कुक, तुम्हें खाना बनाया किसने सिखाया, taught you to cook. So to के साथ सारे यहाँ पे infinitives का ही use हुआ है. She asked him to leave, उसने उसे चले जाने के लिए कहा. Asked के साथ फिर यहाँ him आया. Please remind me to phone Meera, मुझे याद दिलाना, मीरा को फोन करने के लिए मुझे याद दिलाना, तो me यहाँ पर object है. तो सभी इसी तरीके से है, me, him, यू ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव यूज किया. तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं. अभी आपने सारे तरीके के वर्ब्स देख लिए, अब बच रहा है बेयर इन्फिनेटिव जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, वो समझना भी बहुत जरूरी है एग्जामिनेशंस के लिए.
आप देखिए वो वर्ब्स जिनके बाद हम एक बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यानी कि वो इन्फिनिटिव जिसमें टू नहीं होते, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था. और मैंने ये भी बताया था कि आप टेंशन ना लें, बहुत ही आसान है, बिना टू के पहचानना आसान है, क्योंकि कुछ ही केसेस है जहाँ ये यूज होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. अगर मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद जो वर्ब आई है तो वो एक बेयर इन्फिनिटिव होगा, यानी कि विदाउट टू. तो कैन, वुड, मे, माइट जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ जो वर्ब आएंगे वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाएंगे. अगर एग्जाम में आता है तो आराम से आप पिक कर सकते हैं. आई कांट कुक, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है विदाउट टू. यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ये इन्फिनिटिव है विदाउट टू, यानी कि बेयर. वी मे गो होम, तो मे ऑक्सिलरी, अब ये गो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ही हो जाएगा एक बेयर इन्फिनिटिव. ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ आ गया कि इसके साथ जो भी, एक तो पहली बात आप ये तो जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ड्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है बिना टू वाला. ठीक है, अगला है लेट और मेक. लेट और मेक के साथ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में जो हम वर्ब यूज करते हैं वहां पे हम बिना टू का इन्फिनिटिव यूज करते हैं. ही मेड मी डू दिस, हम ये नहीं बोलेंगे ही मेड मी टू डू दिस, नो, ही मेड मी डू दिस, उसने मुझसे ये करवाया. लेट मी कैरी योर बैग फॉर यू, लेट मी कैरी, लेट मी टू कैरी, नो, लेट मी कैरी. तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट वाला केस आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा बीच में, फिर हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे. अब मैंने कहा एक्टिव वॉइस, तो क्या पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में टू वाला इन्फिनिटिव यूज होगा. ही मेड मी डू दिस, इसको अगर हम एक्टिव में ये है, अगर हम इसको पैसिव में बनाए तो हम बोलेंगे आई वॉज मेड टू डू दिस, आई वॉज मेड टू डू दिस, तब वहां पे टू वाला इन्फिनिटिव यूज होगा. ठीक है, तीसरा केस है हेल्प. हेल्प के साथ क्या है कि दोनों ही केसेस पॉसिबल है, बोथ इन्फिनिटिव्स आर पॉसिबल, यानी कि आप बोल सकते हैं हेल्प डू या फिर हेल्प टू डू. कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल इज ओके, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस टेबल को खिसकाने में. कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल या फिर कैन यू हेल्प मी टू मूव दिस टेबल, सो बोथ आर ओके. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, शुरू मैंने बताया था कांट हेल्प डूइंग समथिंग, यानी कांट हेल्प आएगा तो हम हमेशा जेरंड यूज करेंगे, इन्फिनिटिव नहीं करेंगे. तो वो एक एक्सप्रेशन है, कांट हेल्प डूइंग समथिंग, दैट मीन्स कि कुछ करने से खुद को रोक ना पाना, वो एक एक्सप्रेशन है. अगर ये हेल्प है सिर्फ एज अ वर्ड, जैसे कि यहाँ पे कैन यू हेल्प मी, तो अगर आपको बोलना आई कांट हेल्प यू मूव दिस टेबल, ठीक है, आई कांट हेल्प यू मूव दिस टेबल, तब आप यहाँ पे कांट हेल्प के साथ वो चीज नहीं रखेंगे, वो एक अलग एक्सप्रेशन है. क्लियर, ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. गाइस, जो भी आज तक आप जेरंड और इन्फिनिटिव को लेकर गलतियां करते रहे हैं, अब बारी आ गई है टिप्स की, यानी कि मैं देने वाली हूँ आपको ऐसे शानदार टिप्स जिनके जरिए उन गलतियों को आप जड़ से उखाड़ फेंकेंगे. जो थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत कसर रह गई हो गई, अब नहीं रहेगी. तो टिप नंबर वन देखिएगा, टू इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन. ये तो आप जानते ही हैं, अभी आप पढ़ते ही आ रहे हैं मुझसे, कि हम इन्फिनिटिव में टू का यूज करते हैं, बस बेयर इन्फिनिटिव में टू का यूज नहीं होता. उसके अलावा टू एक प्रेपोजिशन भी तो है, जैसे कि इन, एट, फॉर, ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं, टू भी प्रेपोजिशन है. तो एक रूल है, पहले सेंटेंस देखिएगा, जैसे कि आई प्रिफर टी टू कॉफी, यहाँ टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है. ठीक है, यहाँ ये इन्फिनिटिव की तरह यूज नहीं हुआ है. तो अब आप इस चीज को समझिए कि रूल है, इफ अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ वर्ब, अगर एक प्रेपोजिशन को एक वर्ब फॉलो करता है तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, ये रूल है, नॉट टू प्लस वर्ब. दैट मींस कि अगर प्रेपोजिशन के बाद आप वर्ब लिख रहे हैं तो वो आईएनजी यानी कि जेरंड होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए. तो जो मैंने आपको शुरू में सेंटेंस दिया था उस पर आते हैं, जो मैंने कहा था गलत है वो क्यों है, इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मैंने कहा था गलत है, मैंने कहा था सही क्या है, मीटिंग यू. तो फिर यही बात आ रही थी कि इन्फिनिटिव में तो टू लगता है, तो यहाँ जो ये टू है ये प्रेपोजिशन है गाइस. लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब में प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो ये पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब है. तो यहाँ पे ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आई, जो वर्ब फॉलो कर रही है वो आईएनजी में ही होगी.
तो टू की जगह कोई भी प्रेपोजिशन आए, इन, एट, ऑन, जो भी, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसके बाद वाली वर्ब आई एन जी फॉर्म में आनी चाहिए. ठीक है, सो एक क्वेश्चन है मेरे पास, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट माई नेक्स्ट वीडियो और गेटिंग माई नेक्स्ट वीडियो? सो दिस वन इज परफेक्ट. आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग माई नेक्स्ट वीडियो? क्या आप बेसब्री से मेरी नई वीडियो यानी अगले वीडियो का इंतजार कर रहे हैं? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग माई नेक्स्ट वीडियो? कॉमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा. ठीक है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो. आगे बढ़ते हैं, एक और चीज है. अब तो ये आपके लिए क्लियर हो गया, लुक फॉरवर्ड टू अगर आता है तो आपने उसके बाद वाले वर्ब में आई एन जी लगानी है. क्लियर हो गया, ये आप अक्सर लेटर्स वगैरह में यूज करते, बहुत काम आएगा. एक और सेंटेंस है सिमिलर सा, आई एम यूज टू डूइंग समथिंग. यहां मैंने लिखा आई एम यूज टू लिविंग अलोन. ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं. उसका रीजन यही है, एक तरीका है, एक सेंटेंस बनता है आई यूज टू डू समथिंग, तो वहां पे टू के साथ हम बेस फॉर्म यूज करते हैं यानी कि इन्फिनिटिव. आई यूज टू डू समथिंग, तो वो तो हम पास्ट की बात करते हैं. वहां पे ये जो एम आया है ना, ये नहीं होता, ये है यहाँ पे बी यूज टू, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ यूज होगा यहाँ बी की जगह पे. तो जब बी यूज टू आता है तो उसके बाद जेरंड आएगा यानी कि आई एन जी फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ये टू जो है ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है. बी यूज टू, यहाँ ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है. आई एम यूज टू लिविंग अलोन, इसका मतलब है मुझे अकेले रहने की आदत है. जब भी हम ये बात बोलते हैं आई एम यूज टू और आई वॉज यूज टू, ये हम तब यूज करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि वो चीज़ जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज नॉट न्यू फॉर मी, आई एम फेमिलियर विद दैट. और अगर आप बिना बी के सिर्फ यूज टू का यूज करते हैं ना, तो हम पास्ट की बात करते हैं. आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट और समथिंग लाइक दैट, जो हम अब नहीं करते. बट ये बात हम ऐसे नहीं यूज करते. तो ये आप समझ गए, आई एम यूज टू डूइंग समथिंग. टिप नंबर टू, डेयर प्लस टू इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव विदाउट टू. दैट मीन्स कि जैसे मैंने अभी आपको वर्ब दिया था हेल्प, कि हेल्प के साथ आप टू वाले इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं या फिर बिना टू के, तो वैसे ही डेयर भी है. लेकिन यहाँ मैंने टिप में इसे इसलिए ले रखा है क्योंकि एक एक्सेप्शन भी है. तो डेयर के साथ आप टू इन्फिनिटिव यूज करें या बिना टू के, दोनों से. अगर आपको किसी को ऐसे सेंटेंस बोलना है, डोंट यू डेयर टू टेल हिम, उससे बताने की हिम्मत मत करना. सो डोंट यू डेयर टू यूज करें ना करें, सही है ये सेंटेंस, सही है. आप दोनों तरीके से बोलिए, डोंट यू डेयर टू टेल हिम, डोंट यू डेयर टेल हिम. ठीक है, लेकिन, बट, आफ्टर, डेयर नॉट या फिर डेयरंट, इन्हें शॉर्ट कर दिया. तो अगर डेयर नॉट आ जाता है, यू मस्ट यूज इन्फिनिटिव विदाउट टू, तब आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे डेयर नॉट के साथ. ठीक है, तब आप टू के साथ नहीं यूज कर सकते, ये चीज याद रखिएगा. आई डेयरंट टेल हिम, दैट मीन्स आई डेयर नॉट टेल हिम व्हाट हैपेंड. आई डेयर नॉट टू टेल हिम, नहीं यूज कर सकते, एक्सेप्शन है. सो डेयर नॉट के साथ बिना टू के इन्फिनिटिव यूज करना है. क्लियर. टिप नंबर थ्री, नॉर्मली क्या होता है, वी डोंट यूज डेयरंट आफ्टर आई एन जी. दैट मीन्स कि जिस वर्ब को ये फॉलो कर रहा है, अगला वर्ब यानी कि मेन वर्ब, अगर वो आई एन जी फॉर्म में है ऑलरेडी, यानी कि कंटिन्यूस टेंस में है, तब हम नॉर्मली जेरंड यूज नहीं करते, तब हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं. इट्स स्टार्टिंग रेनिंग, इनकरेक्ट, सुनने में भी इनकरेक्ट लग रहा है, सुन के ही समझ आ जाता है. इट्स स्टार्टिंग टू रेन, सही है. ठीक है, कुछ और टिप्स देख लें, बिल्कुल देख लें, अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. टिप नंबर फोर इज, देयर आर सम एक्सप्रेशंस दैट आर फॉलोड बाय अ जेरंड. कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद हम जेरंड का ही यूज करते हैं, जेरंड यानी कि आई एन जी के साथ. तो देखिएगा, इट्स नो यूज या फिर इट्स नो गुड, इसके बाद हम जेरंड ही यूज करेंगे. इट्स नो यूज वरिंग अबाउट दैट, हमने यूज किया वरिंग. इट्स नो यूज क्राइंग नाउ. इट्स नो यूज या इट्स नो गुड का मतलब होता है अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है. सो इट्स नो यूज क्राइंग नाउ, अब रोने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो गुड भी बोल सकते हैं, इट्स नो गुड वरिंग अबाउट इट, इस बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट वर्थ डूइंग समथिंग. इट्स नॉट वर्थ, वर्थ हम तब यूज करते हैं मतलब कि कोई चीज किसी चीज के लायक होना. जैसे कि ये सेंटेंस, इट्स नॉट वर्थ टेकिंग अ टैक्सी, इट्स सो नियर, इसका मतलब है कि टैक्सी करने का कोई मतलब नहीं है, टैक्सी
करके पैसे फूकने का कोई मतलब नहीं है, पास में ही तो है। तो वर्ड आप तब यूज करते हैं किसी चीज में आप टाइम दे रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो उससे क्या आउटपुट हो रहा है, काम का है वो चीज करने लायक है या नहीं। तो यहाँ भी हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं जेरेंड। इसी तरीके से एक ऐसा सेंटेंस देखिए, समथिंग इज वर्थ डूइंग, तो यहाँ भी हम आईएनजी यूज करेंगे डूइंग। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कंचन्स वीडियोज आर वर्थ वॉचिंग, मतलब कि कंचन की वीडियोस देखने लायक हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप समय दे रहे हैं अपना कंचन की वीडियोस को तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो मूवी देखने जाता है, वहाँ से लौट के आता है, आप पूछते हैं इज दैट मूवी वर्थ वॉचिंग, मतलब कि क्या ये मूवी देखने लायक है, मैं इस पर पैसे खर्च करूँ, मैं इस पर समय खर्च करूँ, इस लायक है ये मूवी, तब मैं जाऊँ देखने, मुझे बता दो। तो वैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे तो सो इज़ दैट मूवी वर्थ वॉचिंग या वॉज दैट मूवी वर्थ वॉचिंग, आईएनजी लगाना है आपने। देयर इज़ नो पॉइंट इन, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसके बाद आपने आईएनजी यानी कि जेरंड यूज़ करना है। देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग, इसको करने का कोई मतलब नहीं। देर इज नो पॉइंट इन वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। येस ऑफ कोर्स दिस सेंटेंस इज परफेक्ट, देर इज नो पॉइंट इन वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहते हैं तो इंग्लिश वीडियोज देखने का, सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशंस आए तो आपने यूज करना है जेरंड। अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। ये भी है, कुछ रूल्स ही हैं, जैसे कि बी का मतलब मैंने आपको बता दिया इज एम आर वॉज वर, अगर इसके साथ ये बिजी आता है तो आपने जेरंड का यूज करना है। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आई वॉज बिजी डूइंग समथिंग, मतलब कि मैं कुछ करने में व्यस्त था। आई वॉज बिजी वॉचिंग मूवीज, आई वॉज बिजी टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज बिजी स्टडीइंग इंग्लिश। सो बेसिकली क्या करना है आपने, आई एन जी यूज करना है यहाँ डूइंग की जगह पे, कोई भी वर्ब आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैव डिफिकल्टी प्लस जेरंड, यानी कि हैव डिफिकल्टी जब आप बताएंगे तो भी आप जेरंड का यूज करेंगे। आई हैड डिफिकल्टी स्पीकिंग इंग्लिश, सो डिफिकल्टी के बाद हमने स्पीकिंग यूज किया। तो अगर आप कहते हैं आई हैड डिफिकल्टी स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी बोलने में मुझे समस्या थी, प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैं बोल रही हूँ आई एम श्योर यू विल हैव नो डिफिकल्टी स्पीकिंग इंग्लिश, आपको बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आएगी अंग्रेजी बोलने में, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ही यही है इस वीडियो को बनाने के लिए। इस वीडियो में गाइज मेहनत तो बहुत लग गई, क्योंकि बार बार लिखना, बार बार मिटाना, लेकिन मुझे पता है आपका वो एक लाइक जो आप लाइक बटन पर प्रेस करते हैं, उसके अलावा आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं, वो मेरी मेहनत का फल होता है। तो मुझे पता है आप लाइक भी करने वाले हैं, शेयर भी करने वाले हैं, तो मेरी मेहनत कामयाब रहेगी। तो अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, आई एम श्योर यू विल हैव नो डिफिकल्टी स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल एज पासिंग योर एग्जाम। जी हाँ, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब एक सेंटेंस में आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा इन्फिनेटिव है, कौन सा जेरंड है, या फिर किस वर्ब के बाद हमने इन्फिनेटिव का यूज करना है और किस वर्ब के बाद जेरंड का करना है। बेयर इन्फिनेटिव सब कुछ क्लियर हो गया, राइट। तो वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, वीडियो में कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या चीज नया लगा, क्या चीज अच्छा लगा, मुझे लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक और शेयर तो आप जरूर करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस मिले, अगली वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो से याद आया कि ग्रामर लेसन्स में यानी कि इस सीरीज में अगले वीडियो मिलने वाली है आपको क्लॉजेस में। तो गाइज बने रहिएगा चैनल पर, फिर मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज। शिक्षित भारत मिशन में मेरा साथ दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं।